हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। मैं हूँ आप सभी का मित्र दोस्त रूपेश पांचाल। आप देख रहे हो आपके अपने दोस्त को। तो मित्रों, आज की जो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम जो आप सभी का है, एमपी बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th, उसका जो मॉडल पेपर आया है उसको डाउनलोड कैसे करें। सबसे पहली बात क्या करेंगे कि जो मॉडल पेपर है उसको डाउनलोड कैसे करें। दूसरी बात ये करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई जो पेपर है कौन से पेपर है, मॉडल पेपर जो है उसकी जो पीडीएफ है वो किस प्रकार से डाउनलोड करोगे। दूसरी बात, ये जो पेपर है इसकी जो इम्पोर्टेंस है क्या है, इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस यानी कि इसका क्या महत्व होगा, है ना, इसका क्या महत्व होगा, इससे कितना क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तीसरी बात, इसका उद्देश्य क्या है, बोर्ड का जो उद्देश्य क्या है कि भाई इसने मॉडल पेपर आप सभी के लिए बताए। देखिए सारी सारी बातें आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप सभी इन बातों को ध्यान रख लेते हो, अगर आप सभी को ये बातें पता चल जाती है तो आप सभी फिर उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से आप सभी को पढ़ना चाहिए, वरना आप सभी अपने हिसाब से पढ़ लोगे तो भैया आप सभी का नुकसान होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है। तीसरी बात क्या बताएंगे कि भैया इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। चौथी बात क्या बताएंगे कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे वो बताएंगे आप सभी को, प्रतिशत में कितने क्वेश्चन प्रतिशत में पूछे जाएंगे, ठीक है, वो भी आप सभी को लिए बता देंगे हम, ठीक है। अगला बात हम यहाँ पर बताएंगे कि ये जो पेपर है ये पेपर क्या आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, क्या त्रैमासिक एग्ज़ाम है या जो अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुई थी क्या उसमें पूछे गए हैं, या फिर जो वार्षिक परीक्षा है क्या उसमें आएंगे नहीं आएंगे, ये सारे बातें आप सभी के लिए मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं एमपी बोर्ड के जो पेपर है, मॉडल पेपर जो है उसको पीडीएफ जो कैसे डाउनलोड करें, उसके लिए मैं आप सभी को लास्ट में बता दूंगा ये बात तो फटाक से, ठीक है। अब बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। इसका महत्व ये है, मान के चलिए आप कहीं गाड़ी चलाने गए, अब गाड़ी चलाने के लिए आप सभी को कोई ना कोई एक ड्राइवर जो है वो गाड़ी आप सभी के पास बैठकर गाड़ी चला करके बता रहा है कि भैया ऐसे ऐसे चलाते हैं। तो भैया इसी प्रकार से आप सभी अभी पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम में आप सभी ने पाँव रखा है, अगर आप सभी पहले 9वीं में थे तो अभी 10वीं पहली बार आए हो, अगर आप सभी पहले 11वीं में थे तो अभी 12वीं पहली बार आए हो, तो भैया आपने क्या रखा है, आपने पहली बार कदम रखा है। तो इसलिए जो है मध्य प्रदेश जो है अपना बोर्ड जो शिक्षा विभाग जो है उसने ये तय किया है कि विद्यार्थियों को सैंपल पेपर उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनको पता चल पाए किस प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं, कितने कितने अंक के आएंगे, कौन कौन से आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, मान के चलिए इंग्लिश सब्जेक्ट है, क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट है। अब इंग्लिश में आप सभी को यह नहीं पता चल रहा लेटर कौन कौन सा आएंगे, तो भैया उसमें भैया दे देगा कि भाई इतने क्वेश्चन क्रमांक पर ये वाला लेटर आएगा और इतने पर ये एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन लेटर अलग अलग होते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है, इतने नंबर पर क्या आएगी, एप्लीकेशन आएगी। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, लेटर, अब आप सभी जान रहे हो भैया, कोई कोई ये जानते हो भैया एक लेटर आता होगा, या तो लेटर आता आ जाता होगा या फिर एप्लीकेशन आ जाती होगी, मतलब लेटर और में यानी कि अथवा में जो है, अथवा में एप्लीकेशन भी होती है, ऐसा वो सोचते होंगे, कोई सोचते होगा भाई दोनों तो नहीं आ जाते, एक प्रश्न में ये एक प्रश्न में ये। तो भैया ये जो सारा डाउट है ये क्लियर करने के लिए आप सभी क्या बनाई गई है, मॉडल पेपर तैयार किए गए, सैंपल पेपर तैयार किए गए हैं। तो आई होप कि आप ये बात भी समझ गए होंगे इसके महत्व क्या है। अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी वही है जो कि मैंने आप सभी को बताया है, आप सभी को मार्ग दिखाना, आप सभी को कोई डाउट ना रहे ये बताना, ताकि जो टीचर्स रहे उनको समझाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि टीचर चाहे कितना आप समझा दें लेकिन उतना नहीं समझा पाएंगे जितना आप सैंपल पेपर से समझ जाओगे, ठीक है। अगला देखते ही तो उद्देश्य हो गया। अब देखिए इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए मैं आपसे बता दूँ, इसमें से बोर्ड ने कोई ऐसा नहीं लिखा है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बोर्ड ने ऐसा अपना कोई भी आदेश में नहीं बताया है कितने क्वेश्चन आएंगे कितने नहीं आएंगे। इसलिए मैं आप सभी को बता दूं, ये जो सैंपल पेपर है ये आप सभी को सिर्फ और सैंपल पेपर की नज़र से देखना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन का आने का एक खाका है, क्या है, खाका है, खाका मतलब ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आ रहे नहीं आ रहे, किस किस चैप्टर से पूरा पूरा आ रहे नहीं आ रहे, वैसा है, ठीक है। तो भैया
मैं आपसे एक बता दूँ, इसमें से हो सकता है, मेरी जो ओपिनियन है, मेरा जो मानना है, मेरी जो गेजिंग है वो ये है कि इस पेपर में से 20 से 25% तक जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, बिल्कुल मुझे लगता है। अगर आपसे भी पढ़ लोगे और थोड़े बहुत और पढ़ लोगे पाठ वाठ, तो आपसे पास हो जाओगे आराम से, इतने ज़रूर पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, मुझे लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं कि इसमें त्रैमासिक में आया है, अर्धवार्षिक में या वार्षिक में आया क्या। तो देखिए, त्रैमासिक में तो आया ही होगा बिल्कुल, क्योंकि त्रैमासिक में हर जिले में अलग अलग सेट नहीं थे, अलग अलग सेट तो थे लेकिन बहुत जगह एक सेट भी था, जैसे ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, सी सेट हो गया। लेकिन अर्धवार्षिक में हर जिले में अलग अलग था, इसलिए हो सकता है अर्धवार्षिक में ना आया हो, लेकिन वार्षिक में मुझे लगता है आएगा। और अर्धवार्षिक तो आप सभी घर पर ही होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब चलिए, अब देख लेते हैं इसकी जो मॉडल पेपर की जो PDF हो किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे किस प्रकार से आप सभी अपना जो मॉडल पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हो MP बोर्ड का, क्लास 10th और क्लास 12th वाले, ठीक है, क्लास 11th और क्लास 9th वालों का नहीं आया है। तो यहाँ पर आपसे आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखिए इस प्रकार से बोलेगी। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हो क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। नीचे जाना है, नीचे जाना है, और नीचे जाने पर आप सभी यहाँ पर देखेंगे थोड़ा नीचे जाना है, और यहाँ पर MP एजुकेशन पोर्टल, उसके बाद इधर MP बोर्ड जो है, ये MP बोर्ड, ठीक है, इस MP बोर्ड पर क्लिक करना है। तो हमने सिंपली से MP बोर्ड पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आएगा परीक्षा परिणाम वगैरह, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना है जो, इस पर क्लिक करना है। महत्वपूर्ण सूचना पर अपन ने क्लिक किया, या फिर महत्वपूर्ण सूचना नहीं है तो यहाँ पर इंग्लिश में अगर हम करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस पर क्लिक करना है। नोटिस पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। मैं यहाँ पर हिंदी में करके बता देता हूँ। हिंदी में यहाँ पर आप सभी देखेंगे प्रश्न पत्रों के पैटर्न, ये जो लिखा रहा है इस पर क्लिक करना है। फिर इंग्लिश में देखें तो यहाँ पर इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में ही है, इस पर आप सभी को क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे आप सभी यहाँ पर देखिए सैंपल पेपर के संबंध में, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे, अगर आप सभी डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं आप सभी एक डाउनलोड करके बता देता हूँ कौन सा, 10वीं का गणित का अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो हमको यहाँ पर डाउनलोड के निशान पर क्लिक करना है। जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का आएगा, फिर यहाँ पर आप सभी को ऊपर डाउनलोड सैंपल पेपर के संबंध में लगा देना है और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा, और इसको जब अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप सभी क्या क्या बोला गया है कि हाई सेकेंडरी जो है नवीन परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्रों के पैटर्न की जानकारी के लिए मुख्य विषयों के अभ्यास हेतु सैंपल पेपर मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इन प्रश्न पत्रों का मुख्य परीक्षा में उपयोग होने वाले प्रश्न पत्रों से कोई संबंध नहीं है होगा नहीं विशेष प्रश्न के रूप में इसे लिया जाए, यानी कि ये सिर्फ आप सभी को सिर्फ ये देखना है कि हाँ ऐसे प्रश्न आएंगे, बाकी जरूरी नहीं है कि ये आएंगे, मोस्ट टाइम पे नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अपन गणित का डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पर गणित पर क्लिक करना है और इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर दो, और फिर आप सभी यहाँ पर खोल सकते हो। जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पर ये आ चुका है, ये इंग्लिश में भी आएगा, ये हिंदी में भी आएगा। इस प्रकार से आप सभी देख सकते हो पूरा पूरा जो मॉडल पेपर है वो आ चुका है। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, अपने मित्रों में शेयर करो ताकि वो भी इस प्रकार से डाउनलोड कर पाए। जय हिंद।